अब हम जो भी सुनेंगे हम जीरो पे नहीं होंगे, वी नो व्हाट वी आर स्टडिंग। पेटी कैश बुक, अ कैश बुक इन विच रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड। पेटी कैश बुक इज द बुक इन विच इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। तो इट इज अ बुक, सब्सिडरी बुक की सब डिविजन है। तो अभी हो क्या रहा है, रिकॉर्डिंग ही हो रही है। रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट्स, बिसाइड्स पेटी एक्सपेंसेस रिसीट्स फ्रॉम द मेन कैशियर आर रिकॉर्डेड। जैसे मैंने बताया ना कि इसमें दो ही टाइप की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, एक कैश गिवन बाय द हेड कैशियर टू द पेटी कैशियर, तो इसके लिए कैश रिसीव फ्रॉम द पेटी कैशियर, और उनका खर्चा। सिर्फ यही दो टाइप की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं पेटी कैश बुक सर। लेकिन अगर बड़ा सा क्वेश्चन आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें से पेटी कैश से रिलेटेड कौन सा है और मेन कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है? बेटा मेन कैश बुक का क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा, पेटी कैश बुक का क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा। ऐसा कोई मर्ज क्वेश्चन कभी नहीं बनता। ओके, क्योंकि डाउट आ सकता है ना सर, छोटा कैसे डिसाइड करेंगे कि ये छोटा कितना छोटा होता है? तो पेटी कैश बुक का क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग होगा। तो उसमें आपको ये दिमाग नहीं लगाना होगा कि ये पेटी कैश बुक का पार्ट है कि नहीं है। ओके, वो क्लियरली मेंशन होगा। सो पेटी कैश बुक इज लाइक अ पेटी कैश अकाउंट एंड इज मेंटेन बाय द पेटी कैशियर। लाइक जैसे कैश बुक इज लाइक अ कैश अकाउंट कि वो रिकॉर्ड भी कर रहा है और एंड में क्लोजिंग बैलेंस भी बता रहा है, तो ऐसी पेटी कैश बुक भी रिकॉर्ड भी कर रहा है और एंड में क्लोजिंग बैलेंस भी बता रहा है कि पेटी कैशियर के पास कितना बैलेंस बच गया। रिकॉर्डिंग ऑफ पेटी कैश गिवन बाय द पेटी कैशियर फॉर स्मॉल पेमेंट्स इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में, अभी आपने कहा ये दोनों एक साथ नहीं आएंगी, अरे भैया जर्नल एंट्री तो समझो। कैश गिवन बाय द हेड कैशियर टू द पेटी कैशियर, तो क्या है इसकी जर्नल एंट्री? पेटी कैश टू कैश। तो कैश में से बैलेंस कम नहीं करोगे जितने पैसे उसको दे दिए, तो वो एंट्री तो कैश बुक में आएगी आएगी। कह रहा ये लो पकड़ो, अब वतन तुम्हारे हवाले है, अब ये छोटे मोटे खर्चे आप निपटा लो। अब उन पैसों से जो खर्चा होगा वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई भी डाउट? कैश गिवन बाय द पेटी कैशियर टू द पेटी कैशियर बाय द हेड कैशियर विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड। एंट्री क्या हुई? पेटी कैश टू कैश। कैश बुक में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय पेटी कैश अकाउंट एंड इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ पेटी कैश अकाउंट। कोई डाउट? कोई डाउट? सिस्टम्स, दो सिस्टम है, एक सिंपल सिस्टम और एक इंप्रेस्ड सिस्टम। तो क्या बताया आपको, सिंपल सिस्टम में क्या होता है, एक अमाउंट डिसाइड हो जाता है, आपको अमाउंट दे दिया जाता है, जब वो पैसे खर्च हो जाएं तो हिसाब सबमिट कर देना, उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। इन केस ऑफ सिंपल पेटी कैशियर इज गिवन एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश एंड आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट ही सबमिट्स द पेटी कैश अकाउंट टू द हेड कैशियर। ये लो भैया खत्म कर दिए और दे दो। समझ आई बात? तो पीरियोडिसिटी क्या होती है इसकी, वीक या 15 डेज या कुछ भी हो सकती है, बट पहले से डिसाइडेड होती है। रॉन्ग। सिंपल पेटी कैश में टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होता है, आपको अमाउंट दिया जाता है, वो अमाउंट हो सकता है 4 दिन में खत्म हो सकता है 20 दिन में खत्म हो। जब खत्म होगा तब आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ओके, कोई डाउट? इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश, अंडर दिस सिस्टम एन एस्टिमेट इज मेड एंड अब इंप्रेस सिस्टम एक दिमाग लगाने वाला मजेदार सिस्टम होता है, ज्यादातर यही फॉलो होता है। तो इंप्रेस सिस्टम में क्या होता है, एक एस्टिमेट लगाया जाता है किस चीज का, कि यार 15 दिन का हमारा क्या खर्चा होता होगा छोटे मोटे का। अब आपको डिसाइड करना है कि वो आपको 15 डेज में रिपोर्ट चाहिए या वीकली रिपोर्ट चाहिए। अगर वीकली चाहिए तो वीक का एस्टिमेट लगाओ, 15 डेज में रिपोर्ट चाहिए तो 15 दिन का एस्टिमेट लगाओ। अंडर दिस सिस्टम एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस फॉर पीरियड। पीरियड कह रहा आपकी मर्जी, बताओ से वीकली रिपोर्ट, फोर्टनाइट और मंथली। तो जितनी भी पीरियोडिसिटी रखनी है आपने रिपोर्ट की उसका एस्टिमेट आप ले लें, वीकली तो वीकली, फोर्टनाइटली तो फोर्टनाइटली। फोर्टनाइट में कितने दिन होते हैं? करेक्ट, गुड। द अमाउंट सो एस्टिमेटेड इज गिवन, द अमाउंट सो एस्टिमेटेड, जो भी आपने एस्टिमेट ले लिया, इट इज गिवन टू द पेटी कैशियर, इट इज गिवन टू द
petty cashier in the beginning of the period. The amount of petty expenses paid by the petty cashier is reimbursed. अब ध्यान से देखना बेटा, reimbursed to him periodically. The amount of petty expenses, paid by the petty cashier, मतलब जो भी वो खर्चा कर रहा है, that will be reimbursed. तो यही मैंने आपको समझाया कि जैसे for example आपका 5,000 का balance decide हुआ और every 15 days आपको report submit करनी थी, तो आपने जितने भी पैसे खर्च करे तो 3,500 खर्च करे तो 3,000 बचे कितने 1,500. अब मैं आपको 3,500 reimburse करूंगा ताकि 1,500 प्लस 3,500 नया पीरियड जब शुरू हो तो आपके पास फिर से कितने रुपए आ जाएं 5,000. बात समझ आई? कोई डाउट? Thus he will again have the fixed amount in the beginning of the new period. This amount is called the impressed money. जो हमने अमाउंट फिक्स किया हुआ है उस पीरियड का एस्टिमेटेड अमाउंट उसे बोलते हैं इंप्रेस्ड मनी. और ये जो सिस्टम है, the system of paying advance in the beginning and reimbursing the amount spent from time to time is called the impressed system of petty cash. तो एक्सप्लेन करने को आ सकता है, what do you mean by impressed system of petty cash? सर हमारे कोर्स में थ्योरी नहीं है, हमारे कोर्स में petty cash book ही नहीं है. यार प्लीज, है या नहीं है? जब कोई टॉपिक कर रहे हैं तो ये समझेंगे कि उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब फिर हम सुन भी लें और वो साथ रिटेन भी ना करें तो पर्पस डिफीट हो गया. मतलब आप अगर टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैं कह रहा हूँ वो चीज अंडरस्टैंड कर लो. एग्जाम में नहीं आ रहा, कोर्स में नहीं, तो यू डोंट हैव टू लर्न इट वर्ड टू वर्ड, बट अंडरस्टैंड इट. जनरल डिस्कशन के लिए तो आपने अपनी एक वोकैबुलरी एनहांस कर ली अकाउंटिंग की, तो एडवांटेज तो होगी ही होगी. प्लीज लर्न जरूर करना अगर आपके एग्जाम में, उस हिसाब से फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है.